चचा हैं रजक जी, दलित समाज से आते हैं। इस समय जो माहौल चल रहा है आप तो खुद देख रहे हैं। हम आपसे जानते हैं चचा, उसे क्या जानिएगा आप। माहौल मोदी जी का चल रहा है कि दीदी का चल रहा है? अभी तो सही सब मोदी जी का चल रहा है। जोर से बोलिए। हाँ, मोदी जी का चल रहा है। आरक्षण खत्म हो रहा है। हाँ, SC ST एक्ट खत्म हुआ था पता है? हाँ, किसके सरकार में हुआ है? मोदी जी के सरकार में। भले आरक्षण खत्म हो जाए, सब बिक जाए, लेकिन मोदी जी अच्छा है। चचा गजब है चचा, रोड बनाई ममता दीदी, माहौल आप लोग बना दिए मोदी का है, सब कुछ बिक जाए माहौल। अच्छा एक चीज बताइए, राम जी के नाम पर भी वोट देते हैं भगवान? हा? भगवान के नाम पर ईमानदारी से बोलिए, नवादक कसम, हम भी नवादक। चचा क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र रजक। रजक जी हैं। मकान? मकान यहाँ हमारे काकीनाड़ा लाइन में है। काकीनाड़ा? आप भाटपाड़ा विधानसभा? भाटपाड़ा विधानसभा। ऐसे मकान बिहार में कहाँ हुआ आपका? मकान हमारा नवादा पड़ता जिला। नवादा जिला तो हम भी हैं जी, काशी चक। काशी चक के हम भी। कहाँ? भट्टा बौरी, मैंने भट्टा सुहानपुर देने। भट्टा सुहानपुर। अरे वाह चचा, यहाँ क्या करते हैं? यहाँ रिटायरमेंट हो गए, घर में बैठे हैं और अपना छोटा सा कारोबार चल रहा है। मैंने कुछ ही से रिटायर हुए काकिया जूट मिल से। जूट मिल में तब? और कारोबार क्या चल रहा है? अपना व्यवसाय, स्वजाती व्यवसाय। अपना स्वजाती व्यवसाय जो है चल रहा है, कपड़ा वाला। हाँ, आयरन करते हैं। अच्छा, तो यहाँ चुनाव है चचा, आप लोग तो पुराने लोग हैं, क्या माहौल है यहाँ? माहौल ठीक है। किसका माहौल किसका ठीक है हम कैसे बता पाएंगे आपको? डरते हैं चचा? नहीं चचा, नवादक आदमी हुए आप, डरने कोई सवाल नहीं है। चक्के नाक कटा दीजिएगा ना ना, तो हम इस समय कुछ नहीं बता पाएंगे। अच्छा, कि किसका माहौल? अच्छा, जूट मिल जो बंद है, अभी बंद है कि चालू है? नहीं चालू है। चालू है। जूट मिल के लोग जो हैं काम करने वाले, वो किसके साथ हैं अभी, क्या किसको पसंद करते हैं? इस समय जो माहौल चल रहा है आप तो खुद देख रहे हैं। हम आपसे जानते हैं। हाँ। चचा उसे क्या जानिएगा आप। माहौल मोदी जी का चल रहा है कि दीदी का चल रहा है? अभी तो सही सब मोदी जी का चल रहा है। जोर से बोलिए। हाँ, मोदी जी का चल रहा है। मोदी जी चल। अच्छा, आरक्षण वगैरह समझते हैं चचा? आप तो दलित। हाँ, बोलिए। आरक्षण खत्म हो रहा है, ये सब पता है आपको? हाँ, आरक्षण खत्म हो रहा है। हाँ, SC ST एक्ट खत्म हुआ था पता है? हाँ, किसके सरकार में हुआ है? मोदी जी के सरकार में। तो माहौल मोदी जी का है, देख तो रहे हैं, चल रहा है तो ऐसा ही। तो आपको भी वोट मौका मिलेगा तो मोदी जी देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन माहौल मोदी जी का। हाँ, आपको मोदी जी अच्छे लगते हैं? आप ईमानदारी से बोलिए। देखिए, मोदी जी जो काम किए हैं उसके से अच्छा लग रहा है। क्या क्या काम किए चचा? अब इतना तो काम नहीं बता। एक चीज़ है, दलित हैं आप इसलिए हम पूछ रहे हैं। ये तो काम नहीं बता पाएंगे। काम नहीं बता पाएंगे मोदी जी का? अच्छा अच्छा काम, पांच काम बता दीजिए चचा। आपको पता है हम भी दलित हैं। ठीक है, आप तो इसलिए नहीं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि एक नहीं डरता है कोई, कि कोई बड़ा जात वाला पत्रकार आ गया तो उससे डरता है, इसलिए एकदम कम्फर्ट होकर बोलिए। मोदी जी अच्छे लगते हैं ना आपको? जो बोले काम अच्छा लगता है, कौन कौन काम अच्छा लगता है मोदी जी का चचा? आरक्षण खत्म हुआ वो अच्छा लगता है कि SC ST? आरक्षण तो खत्म नहीं होना चाहिए। तो आप भी बोलते हैं मोदी सरकार में खत्म हो रहा है? मोदी सरकार तो खत्म कर रहा है तो। हाँ, असम निजीकरण हो रहा है पता है? हाँ पता है। तो उसमें आरक्षण नहीं मिलेगा, प्राइवेट हो जाएगा तो? ना, रेलवे प्राइवेट होगा तो आरक्षण मिलेगा? नहीं मिलेगा। बैंक प्राइवेट होगा तो आरक्षण नहीं मिलेगा? एयरपोर्ट प्राइवेट होगा वहाँ नौकरी आरक्षण मिलेगा? नहीं मिलेगा। स्टेशन बिक जाएगा तो आरक्षण मिलेगा? सब खत्म हो रहा है मोदी राज में। हाँ। लेकिन मोदी जी काम अच्छा लगता है आपको? मोदी जी का सरकारी जो काम है ना वो खत्म हो रहा है, हम भी जानते हैं। लेकिन मोदी जी आपको अच्छा लगता है? मुस्कुरा के नहीं, अच्छे से बोलिए एकदम। रजक जी ईमानदारी से बोलिए, अच्छे लगते हैं मोदी जी आपको? मोदी जी व्यक्तिगत, मोदी जी अच्छा लगते हैं। मोदी जी जो व्यक्तिगत है ना वो अच्छा लगते हैं। वो ही बताइए व्यक्तिगत क्या अच्छा लगता है आपको? व्यक्तिगत में अच्छा कुछ लगता है? मोदी जी एक साफ सुथरा आदमी है। हाँ, ये हमें अच्छा लगा। भले आरक्षण खत्म हो जाए, सब बिक जाए, लेकिन मोदी जी अच्छा है। चलिए, और ममता दीदी क्या खराबी है चचा, ये भी बताइए। ममता दीदी की क्या खराबी है? ममता दीदी का काम बहुत अच्छा है। हाँ, जो भी रोड ये सब बना उना है सब उनका ही टाइम में हुआ है। लेकिन माहौल मोदी का बना दिया आप लोग। हाँ चचा गजब है चचा, रोड बनाई ममता दीदी, माहौल आप लोग बना दिए मोदी का है।
सब कुछ बिक जाए माहौल। अच्छा एक चीज बताइए, राम जी के नाम पर भी वोट देते हैं भगवान, भगवान के नाम पर ईमानदारी से बोलिएगा, नवादक कसम भी नवादक। राम जी के नाम पर धर्म के नाम पर कौन वोट मांगता है? बीजेपी वाला सब मांग रहा है, टीएमसी वाला भी सब मांग रहा है। अभी देखिए मंदिर मस्जिद सब दौड़ रहा है, आप पत्रकार होकर नहीं जानते हैं? तो देखिए मंदिर है? मंदिर वाला जानते हैं, कोई मंदिर में जाकर माथा टेकता है, कोई मस्जिद में जाकर टोपी पहन रहा है, कौन नहीं पहन रहा है? आप देख रहे हैं ना? हाँ। तो बस टोपी पहनता है, खजूर खाता है, खेल करता है। एकदम सही बात बोल रहे हैं, एकदम बिना मंदिर मस्जिद किए कोई बाकी नहीं है। हाँ। कोई मंदिर जाता कोई मस्जिद जाता है। हाँ। इसीलिए इसका असर है नहीं चाचा। तो हाँ भट्टा कब आए थे यहाँ कलकत्ता, कितना उम्र था आपका? बचपन से आया यहाँ। हाँ। पढ़ाई वढ़ाई कहाँ किए थे? चंडी नवा हाई स्कूल में, पश्चिम बंगाल। यहीं पढ़े थे। अब आपको जूट मिल में पीएफ यूएफ मिला आपको? जूट मिल में रिटायरमेंट के बाद पैसा वैसा मिलता है? हाँ मिला है, मैं घूस दिए हैं। हाँ ग्रेचुटी लेने के लिए, ग्रेचुटी के लिए दिए हैं। हाँ बात अच्छा, कितना घूस दे दिए थे? क्योंकि आप बड़ी खुश मिजाज आदमी, हमेशा खुश रहते। ये भी बताना पड़ेगा नहीं? अच्छा जाते आते हैं कि नहीं सुहानपुर भट्टा? बहुत कम है। होली होली हम नहीं जाते, कल होली है। आप गए हैं? नहीं गए। तब आप भी तो जाना चाहिए, आपका भी तो सुहानपुर घर है। हाँ। तो आपको भी तो जाना चाहिए। हाँ। नहीं गए, चुनाव है यहाँ, कवरेज करने रहते हैं उधर। चुनाव है आपके लिए, चुनाव है मेरे लिए, यहाँ चुनाव नहीं है। आज नहीं ना आपका चुनाव? हाँ? आप तो आ सकते हैं। हाँ तो आएगा तो उस समय देखा जाएगा। चलिए तो मोदी जी बहुत पसंद है आपको। अच्छा ममता यहाँ जो विधायक हैं पवन सिंह, वो कैसे आदमी है आप बता दीजिए? ये उतना हम नहीं बता पाएंगे भाई, लेकिन आप मोदी के नाम पर वोट देंगे? हाँ कैंडिडेट के नाम पे नहीं तो मोदी जी के नाम पे देंगे, ये बताइए चाचा। चलिए ना वही बात रखिए, वह बात रखें। तो चाचा है रजक जी, दलित समाज से आते हैं, कहते हैं सब प्राइवेट हो रहा है, बिक रहा है, लेकिन वोट मोदी के देंगे। ये रोड सड़क ममता दीदी बनवाई है ना। हाँ। लेकिन माहौल बीजेपी को बना दिया, वोट बीजेपी को देंगे। वाह चाचा वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बने रहिए, जय भीम जय भारत।